Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. आज मैं माँ जी के लजीज खाने में वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। उसके लिए मैंने ये मसाला ले लिया है। इस मसाले के अंदर अदरक का पाउडर है, काली मिर्च पाउडर है, मेथी पत्ते हैं और सफ़ेद मिर्च है, वाइट मिर्च जिसे कहते हैं, काली मिर्च, हल्दी, ज़ीरा है, दालचीनी है और लाहौरी नमक है और धनिया है, सुरख मिर्च है। ये सब मैंने इसके अंदर मिक्स करके ये देखें ये रख लिया है। ये है क्रीम, ये हम क्रीम इसमें डालेंगे। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है खसखास जो मैंने पीस ली है। ये है अदरक और अदरक है इसके अंदर और हरी मिर्च है पिसी हुई। ये दही ले ली है आधा पाव और ये आधा किलो मुर्गी का गोश्त है। इसके अंदर हरा मसाला है, इसके अंदर हमने ले लिया है ये हरा धनिया है। ये देखें ये इसके ताज़े पत्ते हमने ले लिए हैं, धोकर काटा है। ये लीमू है जो हम रस इसमें डालेंगे और ये हैं काजू, इन्हें हम पीस कर इसमें डालेंगे। ये हैं हरी मिर्चें और ये ऊपर से डालने के लिए हांडी में मिर्चें नहीं हैं। अब मैं इसको इसके अंदर मिलाऊंगी। गोश्त है, गोश्त के अंदर मैंने ये अदरक और हरी मिर्चें ये मैंने ऐसे भी डाल दिया है। इसके अंदर ये दही है, ये मैंने इसके अंदर डालकर ये देखें अब मैं इसको मिलाऊंगी और ये दो घंटे के लिए मैं इसको मिलाकर रख दूंगी और मैं और इसको मैं रखूँगी। थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मसाला तैयार है। अब मैं ये हांडी में ये देखिए ये मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मैं तकरीबन घी हमने ऑयल ले लिया है। अब ये गर्म हुआ है, अब मैं इसके अंदर ये मसाला और मुरी जो है मैंने लगाई है डाल रही हूँ। ये मैं इसको थोड़ा तेज़ आंच पे भूनूंगी, बहुत हल्की आंच पे नहीं भूनूंगी। ये देखें ये अपने ही मसाले में ये गल जाएगी। ये देखें हैं ये हमने काजू जो थे ये काजू हैं ये मैं इसमें पीस लिए हैं, मैंने इसमें ये डाल रही हूँ। और आज मैं माँ जी के लजीज खाने में वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। ये अब मैं ये तेज आंच पे पका रही हूँ। ये अब मैंने ये देखें ये पक रहा है, ये वाइट कढ़ाई है, इसके मसाले में डालकर मैंने इसे भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये नींबू का जो रस है उसे डाल रही हूँ। ये देखें ये नींबू का रस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये देखें ये हमारी वाइट कढ़ाई है, ये बन रही है। ये देखें अब मैं इसके अंदर ये 7-8 मिर्चें हैं हरी, इन्हें मैं डाल रही हूँ। ये देखें ये इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें ये मैंने इसके अंदर हरा धनिया है इसे भी शामिल कर लिया है। ये देखें हमें ये सारा जो मैंने काट कर रखा था ये मैंने इसमें डाल दिया है।
अब ये कुछ देर और गलेगी, उसके बाद ये मैं इसको क्रीम डालूंगी। ये मैंने जो क्रीम है इसे मैंने ये क्रीम है इसे मैं इसमें डालूंगी और फिर मैं इसे डिश में निकाल लूंगी। ये हमारी कढ़ाई है, ये तैयार हो गई है। ये अब मैं इसे डिश में निकाल रही हूँ। ये हमारी वाइट कढ़ाई जो है ये तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये हल्का सा ये हरा धनिया है इसको मैंने डाल दिया है। ये अब तैयार हो गई है। आप माँ जी के लजीज खाने में आपको ये कढ़ाई पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, खुद भी बनाएं और सबको खिलाएं। और आप अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।